हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपी टैक्स में। तो दोस्तों, आज की अपडेट आप देख सकते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआर की तरफ से आज बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अगर दोस्तों आपने हाल ही में ये एग्ज़ाम दिया है सब इंस्पेक्टर और एएसआई के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, तो दोस्तों 212 पोस्ट के लिए हाल ही में एग्ज़ाम कराया गया था, आंसर की भी जारी कर दी गई थी। तो आज के डेट में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आपको कहाँ देखना है, कैसे देखना है, आपको सभी डाउट आपको वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों 212 पोस्ट कौन सी थी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, ये ईएसआई के लिए कौन सी पोस्ट ये हाल ही में आई थी और कौन सा रिजल्ट जारी हुआ है, वो आपको भी बता दिया जाएगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो बने रहिए और आपने अभी जो आगे प्रोसेस होगा वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं उस लिंक पे जहां आपको पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म दोस्तों कब आए थे, आप यहाँ देख सकते हैं। ये फॉर्म आया था दोस्तों मई में आया था 2023 में, उसकी लास्ट डेट 221 तारीख थी। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 24 और 25 तारीख में करा दिया गया था, यानी 25 जून में और 24 जून का आपका एग्ज़ाम हो गया था। अब दोस्तों पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट यहाँ पर कौन कौन सी दी गई थी। 212 पोस्ट के लिए दोस्तों एग्ज़ाम जो हुए थे अभी, ये सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए जिसमें बैचलर डिग्री मांगा गया था, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए जिसमें आप हाईली में ही बैचलर डिग्री मांगी गई थी, जिसका मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए थी। उसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है, सब इंस्पेक्टर सिविल में और एएसआई टेक्निकल में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों समझ गए होंगे आप जो ये वैकेंसी हुई थी जारी, ये इसके लिए अपने हाल ही में एग्ज़ाम दिया था, तो इसका रिजल्ट ओपन हो गया है। रिजल्ट देखने के लिए सिंपली क्या करना होगा, आज की पूरी लिस्ट दोस्तों आ चुकी है। लिस्ट आपको कहाँ डाउनलोड करनी है वो आपको बता देते हैं। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी साइट ओपन हो जाएगी। ओके कर लेते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डायरेक्टली पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों कितने पेज की लिस्ट है, कौन कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पेज मैंने खोल लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं सीबीटी के लिए, यानी सीबीटी में जो आपका एग्ज़ाम दिया था, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दिया था एसआई रेडियो ऑपरेटर के यानी आरओ का एग्ज़ाम दिया था। तो बच्चे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपना ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी सीबीटी आपका क्लियर हो गया है। जो आगे प्रोसेस होगा वो आगे नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो अपना रोल नंबर और अपना नेम से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो पूरी लिस्ट यहाँ पर डाल रखी है, इसमें साफ साफ लिखा है जो बच्चे क्वालिफाई हैं, यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों सभी स्टेप बाय स्टेप सभी यहाँ पे क्वालिफाइड की लिस्ट डाल रखी है। अब थोड़ा नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पहले देख सकते हैं यहाँ पर ये 66 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो आरओ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं यहाँ पर, यानी आरओ में क्वालिफाइड हो गए हैं। जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिया जाएगा वो नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा आरओ के लिए 66। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे पोस्ट दे रखी है, यहाँ पर क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं, यहाँ पर हुए हैं एसआई क्रिप्टो के लिए। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं एसआई क्वालिफाइड हो गए हैं, यहाँ भी अपना रोल नंबर और नेम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर बना के दे रखी है। तो इसमें जो टोटल बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसमें दोस्तों 153 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, देख सकते हैं। क्रिप्टो के लिए दोस्तों 153 यहाँ बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। तो पोस्ट के हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितने बच्चे सिलेक्ट होने थे और कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं होने थे, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। कट ऑफ क्या रही होगी दोस्तों, कट ऑफ का भी मैटर को नहीं दिया गया है अभी। आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सभी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। अब दोस्तों ये जो लिस्ट है ये एसआई टेक्निकल लिस्ट दी गई है एसआई के लिए, और इसमें कितने बच्चे सिलेक्ट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों इसमें आपके 50 बच्चे यहाँ पर दे रखे हैं, यानी आपको बता देते हैं आरओ के लिए 66 बच्चे हैं, क्रिप्टो के लिए 153 बच्चे हैं, और दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल के लिए यहाँ पर 50 बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं, टेक्निकल के यहाँ पर 50 बच्चे पास हो गए हैं। आप थोड़ा नीचे चलेंगे, आप एसआई की पोस्ट देख सकते हैं एसआई में कितने, सिविल के भी यहाँ पर दे रखी है, सिविल पोस्ट यहाँ पर डाली गई है। तो सिविल के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाइड हुए यानी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल के भी बहुत ज़्यादा बच्चे दिए गए हैं, 160 यहाँ पर 3 बच्चे पास हैं सिविल के, यहाँ पर 163 देख सकते हैं। तो दोस्तों सभी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ आपको बताई जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं एसआई के लिए कितने कितने बच्चे सेलेक्ट कर दिए गए हैं। अब जो लिस्ट नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो इसमें एसआई की लिस्ट दे रखी है, तो यानी 13 पेज की लिस्ट है दोस्तों यहाँ पर। ये एसआई टेक्निकल में आप देख सकते हैं कितने बच्चे सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पर एसआई के लिए, आपको पूरी चीज़ें नीचे दिखा देते हैं लिस्ट यहाँ पर। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से अपनी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब एसआई की लिस्ट देख सकते हैं, एसआई की लिस्ट कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, इसके लिए ये पूरा आपको लिस्ट दिखा देते हैं।
लिस्ट के हिसाब से आपको पता जाएगा कितने बच्चे अंदाज लगा सकते हैं, जो कितनी वैकेंसी हैं और कितने बच्चे इसके अंदर क्वालिफाइड कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ASI के लिए यानी टेक्निकल के लिए आपका दोस्तों 881 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। ये दोस्तों ASI के लिए था। अभी जो ASI ड्राफ्ट मैन है, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हैं, यानी 81। अब आपको बता देता हूँ, क्लियर चेक कर देते हैं। ASI के लिए आपके टेक्निकल के लिए 881 बच्चे पास हैं, और दोस्तों सिविल के लिए जो ड्राफ्ट मैन के लिए सॉरी इसमें 81 बच्चे क्लियर पास हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको दिखा देगा, लिस्ट के माध्यम से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब जो आगे की प्रक्रिया होगी वो CRPF की तरफ से दोस्तों नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जो आपका प्रोसेसर होगा आगे यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो फिजिकल होगा इसमें टेक्निकल होगा, जो भी ऑल प्रोसेस होगा वो आपको CRPF की तरफ से बता दिया जाएगा, जो आपके नोटिस दिया दी जाएगा साइट पर। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस रिजल्ट के माध्यम से आपको बता दी गई। कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो कट ऑफ दोस्तों अभी हाल ही में जारी नहीं हुई है, अभी कुछ टाइम बाद ये भी जारी हो जाएगी कट ऑफ कितनी गई है, कितने बच्चे इसमें पास हो चुके हैं। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है तो दोस्तों 80 बच्चे वाले पास हैं या 70 वाले पास हैं या 65 वाले पास हैं, तो इसके माध्यम से आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा CRPF की तरफ से, ठीक है। ये तो दोस्तों प्रोसेस रिजल्ट जानने का, अगर कोई जो जानकारी होगी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। मिल दी गई जानकारी दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।